नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप जीमेल यूजर हैं तो आप ऑब्वियसली जीमेल चलाते होंगे और आए दिन आपको जीमेल से जुड़ी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और उस समस्या में एक समस्या आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए कि जब आप जीमेल आईडी को लॉग इन करते हैं तो आपको लिखा मिलता है कि टू मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स ऑन जीमेल, यानी कि आप जो है बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट आप अपने जीमेल अकाउंट को खोलने में किए हुए हैं। हो सकता है कि आप जो है उसमें पासवर्ड गलत डालें, और पासवर्ड जब बार बार पासवर्ड डालते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम आने के चलते क्या होता है कि वहाँ पर लिखता है कि टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट, यानी कि जो आप अटेम्प्ट लगा रहे हैं वो कई बार फेल हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा वो रुक जाता है। कितने घंटे के लिए रुकता है, क्यों ऐसा होता है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसकी पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो पहली बात आपको जानना जरूरी है कि जब भी आप ईमेल आईडी लॉगिन करें तो आप एकदम कन्फर्म हो जाए कि हाँ यही पासवर्ड है। अगर आप कंफर्म नहीं है कि जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं उसका पासवर्ड आप जो है ऐसे तुक्के पर डाल रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, तो आप जब तुक्के पर डालते हैं तो होता क्या है कि आपको नहीं पता होता है और ऐसे 3-4-5 बार प्रयास कर लेते हैं। और 3-4 बार जब प्रयास करते हैं गलत अटेम्प्ट के साथ तो गूगल समझता है कि इस ईमेल अकाउंट के साथ गलत एक्टिविटी हो रही है, और उस गलत एक्टिविटी के चलते उनका जो रोबोटिक सिस्टम होता है वो बैंड कर देता है, और बैंड कर देता है कि आप जो है अब इस पर ट्राई नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप जो है पासवर्ड श्योर हो जाइए कि ये है, तभी आप लॉगिन करने का प्रयास करें, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि आप जब इस तरीके का प्रयास करते करते जब आपको लिखने लगता है कि टू मेनी फेल अटेम्प्ट्स जो है जीमेल पे किया गया है, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यह है कि जब आपको इस तरीके का चीज लिखने लगा तो आप एकदम शांत हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको आगे जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और ये जो लॉगिन प्रोसीजर है वो 48 आवर्स के बाद, यानी कि 48 घंटे के बाद जो है वो एक्टिव होगा। तो जब भी आप इस तरीके की प्रतिक्रियाएं कर लिए हैं, मान लो कि गलत पासवर्ड डाल डाल के आपको इस तरीके के अटेम्प्ट्स मिलने लगे हैं, तो आपको 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। और 48 घंटे के बाद जाकर आप श्योर हो जाइए कि आपको क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है या फिर OTP मंगाकर नए पासवर्ड को चेंज करना है, तो उस तरीके की चीजें आप जरूर करें। नहीं तो फिर अगर प्रयास करते हैं बार बार रिपीटेड गलत पासवर्ड डाल के, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, हालांकि जिसको नहीं पता होता है पासवर्ड भूल जाता है तो इस तरीके की एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से जो है ये टू मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स के चलते आपका जीमेल लॉगिन नहीं हो पाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि 48 आवर्स तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख लिए हैं और इन फ्यूचर अगर आप ऐसा प्रयासरत करें तो कोशिश करें कि ऐसा प्रयास ना करना पड़े, क्योंकि आप श्योर हो जाए कि पासवर्ड क्या है। तो ये कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, आपको 48 आवर्स इंतजार करना पड़ेगा, और 48 आवर्स के बाद सावधानी के साथ आपको पासवर्ड डालें, नहीं पासवर्ड पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके OTP मंगाकर नया पासवर्ड बना लें, वही एक इसका सॉल्यूशन है। तो ये कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, एक जानकारी इन्फॉर्मेटिव जो है वो दे देनी चाहिए। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया पिंटू को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िएगा। बाकी अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।